आज के इस लेक्चर के अंदर हम एडवांस मेथड्स देखने वाले हैं जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम यूटिलाइज़ करते हैं एंड देयर आर मेनी मेथड्स जो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को रिजोल्व करने के लिए हम हेल्प आउट करते हैं जो हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर देख ली हैं आज हम एडवांस मेथड्स की तरफ चलेंगे और ये एडवांस मेथड्स हमें किस तरीके से हेल्प करते हैं हम वन बाय वन देखने वाले हैं जो चार मेथड्स आज हम देखेंगे बल्कि ज्यादा ही देखेंगे चार नहीं देखेंगे उनकी लिस्ट में आपके सामने पहले पेश करता हूँ फिर हम वन बाई वन उनको देखते हैं सबसे पहला जो मैथड हम देखेंगे दैट वुड बी एक्चुअली इट वॉज योर असाइनमेंट लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको बता दूँ तो इस वजह से मैं इसको बड़ी डिटेल के अंदर आपको समझाने वाला हूँ दैट द फर्स्ट वन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का पहला मैथड जो हम देखेंगे दैट इज गॉशियन एलिमिनेशन मैथड एलिमिनेशन मैथड ठीक है और सेकेंड वन इज गोस जॉर्डन

ठीक है मैं साथ साथ बोल इस वजह से रहा हूँ अगर आपको मेरी हैंड हाँ रइटिंग की थोड़ी समझ कम लगे सो कम अज़ कम आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो आप उनको लिख सकते हैं ठीक है इसको हम एस वी डी भी बोलते हैं विच इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मैथड्स इन खास तौर पर डेटा साइंस ओके द नेक्स्ट वन वुड बी इटरेटिव मैथड्स कौन कौन से होते हैं ये असल में लिस्ट ऑफ मैथड्स है इटरेटिव मैथड्स की जो हम दो उसमें से देखने वाले हैं एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड एंड देन द दिक्स वन वुड बी क्रैमर्स रूल ठीक है अब ये छह मेथड जो हैं ये आपके असाइनमेंट में शामिल थे जो आपने कल करनी थी और अगर आप में से काफी लोगों ने ये असाइनमेंट कर ली हुई है फॉर एग्जांपल गोशियन एलिमिनेशन मेथड का उन्हें पता है गॉस जॉर्डन का पता है एल यू डी कंपोजिशन का पता है सिंगुलर वैल्यू डी कंपोजिशन का पता है इटरेटिव मेथड्स का पता है देन क्रैमर रूल्स का पता है सो क्रैमर्स रूल का पता है सो दैट वुड बी नाइस के आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन के अंदर चीजों को बच्चों को समझा भी सके जिनको नहीं आता इससे शो होगा कि आपने कितनी मेहनत की हुई है अपने पिछले लेक्चर्स uh, के ऊपर अगर नहीं आपको कुछ भी आता अभी तक के लिए इन छह मेथड्स में से तो डोंट वरी अबाउट दैट आई एम गोइंग टू टीच यू ईच एंड एवरीथिंग।